अपना अभिमानित अपने आप को करता है तो मैं तो उनको हत्यारा मानता हूं बाबा साहब के विचारों पर, बुद्ध के विचारों पर। शर्म लेना भारत में अलग विषय है, लेकिन जब कोई महापुरुष हो जाता है वो सबका हो जाता है। बाबा भारत में सबके हैं, बुद्ध सबके हैं, इनकी जात बिरादरी वालों को ठेका नहीं है, ठीक है ना। ये विचारधारा है, ये आंदोलन है, ये समता मूलक समाज की स्थापना करने का आंदोलन है, ये बराबरी का आंदोलन है, ये समता का आंदोलन है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। सब लोग आइए और इस आंदोलन में जुड़िए, यही आपके पुरखों की विरासत को सुरक्षित करेगा और आने वाले बच्चों के भविष्य को संवारेगा। मैं पूरे फैजाबाद के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे चूंकि बस्ती जाना है, चार जगह लोग रोड पे खड़े हुए हैं पंसील का झंडा लेकर के, हरैया बुद्ध विहार पे खड़े हैं और जाने कहाँ कहाँ जगह जगह खड़े हैं, सब जगह स्वागत होगा। और बहुत बड़ा कार्यक्रम बस्ती में बादशाह पैलेस हॉल में है, इसके बाद हम लोग लखनऊ वापस लौटेंगे। विचार करिए, हम सुबह 5 बजे जाग जाते हैं और रात को 2 बजे सो पाते हैं, इतना सघन इस समय काम चल रहा है। आप सारे लोग सोशल मीडिया में राज रतन अम्बेडकर जी को फॉलो कर लीजिए, समझ में आया, संत सुमित रतन जी को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भले ही मेरे पास टीवी नहीं है या टीवी का कोई चैनल नहीं है, आज भले ही कोई अखबार मुझे नहीं छापेगा, लेकिन वो भूल गए हैं हर हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, ये उनसे ज्यादा फैला देगा। ये जो सोशल मीडिया के हमारे युवा हैं, ये जो बहादुर जिन्हें हम योद्धा कहते हैं, इनकी बहुत बड़ी ताकत है। ये जो मेरा आंदोलन है, मेरी विचारधारा है, फैल के चली जा रही है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, सभी जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ फैजाबाद के वरिष्ठ नागरिकों, जो मिशन आपने चलाया है, जो बुद्ध का आंदोलन आपने चलाया है, उस आंदोलन में हम पानी डालने का काम करेंगे और उस वृक्ष को हरा भरा करने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग युवाओं की जवानी का इस्तेमाल करिए और जवानों तुम हमारे बड़े बूढ़ों के अनुभवों का इस्तेमाल करिए। जब दोनों मिलते हैं, जवानी और अनुभव, तो क्रांति होती है। क्या होती है? मिलकर के चलना पड़ेगा, अलग अलग नहीं कि आप इनकी बुराई करें, ये तुम्हारी बुराई करे। सारे संगठन बनाए रखिए, लेकिन जब आवाज हो इस विचारधारा की तो सारे लोग साथ साथ आ जाइए और मिलकर के अपनी पहचान दिखा दीजिए, अपनी ताकत दिखा दीजिए, जो आज आपने दिखाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय अशोक, जय किसान, जय जवान। मैं किसान क्यों बोलने लगा? मैं 7 महीने से किसान आंदोलन में बैठा हूँ, आपको पता ही नहीं पता, किस किस को पता, हाथ उठा के बताइए। देखिए, सबको पता, 7 महीने से किसान आंदोलन बैठा हूं। मैं पहली बार गया तो हमसे एक जाट कह रहा, बाबा तुम यहाँ आ गए। वो बाबा देखिए मुख्यमंत्री पागल बना बैठा है और तुम यहाँ आ गए। अब मैंने कहा ये एक्चुअली कैसा आदमी से कैसे समझाऊं कि वो बाबा अलग है, हम बाबा अलग है। और ये बाद में पता चला कि उसने दारू भी पी रखी थी। मैं 4 घंटे उसके पास बैठा रहा, उसे समझा नहीं पाया कि हम बाबा अलग है, योगी बाबा अलग है। अगले दिन हमने समझाया, जब उसने देखा भगवान बुद्ध का फोटो, सभी महापुरुषों के फोटो लगे देखे, तो कहा इसमें हनुमान तो है ही नहीं। तो हमने कहा हनुमान वाले हम नहीं हैं, हम विज्ञान वाले हैं। तब जाट साहब को समझ में आया कि हम जय श्री राम वाले नहीं, नमो बुद्धा जय भीम वाले। तो ये पहचान बनी क्यों नहीं? अरे जब निकलोगे नहीं तो कौन जानेगा तुम्हें तुम क्या हो? इसलिए हमें निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। अब हम चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति इस कार्यक्रम का आभार कर दे, समापन कर दे, जो भी हमारा आयोजक मंडल तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद।